नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका फिर से हमारे एक और नए धमाकेदार वीडियो में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे और ठीक ही रहना चाहिए। तो दोस्तों मैं सबसे पहले हाथ जोड़ से आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि क्योंकि मैं बहुत दिनों से अपडेट नहीं डाल रहा हूँ अपने यूट्यूब पे। मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि हमें टैटू के ऊपर कुछ ऐसा वीडियो दीजिए जो हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करे हमारे टैटू को इन्फेक्शन को लेके और अदर कोई किसी भी फील्ड में, जैसे कि टैटू के हमें किस तरह के इन्फेक्शन से बचना चाहिए। तो दोस्तों आ गए हैं आपकी डिमांड के ऊपर ऐसा ही एक वीडियो लेके कैसे आपको विंटर में अपने टैटू की केयर करनी चाहिए, क्योंकि विंटर की सीजन स्टार्ट तो है ही, लेकिन कैसे अगर आपने विंटर में टैटू बनवाया है तो वहां जहां पे जिस पार्ट पे आपने टैटू बनवाया तो वहां कैसे आप केयर करेंगे अपने टैटू की, जिसके कारण से आपका टैटू प्रॉपर सेट में आ सके। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप इस भाई को पहली बार देख रहे, पहली बार चैनल पर आए, तो चैनल का जो रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो घंटे का आइकन है उसे भी प्रेस करके ऑल की नोटिफिकेशन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले भविष्य में कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक ऐसे मुख्य तीन कारण बताऊंगा, तीन ऐसी गलतियां बताऊंगा जो आपको बिल्कुल भी नहीं दोहरानी होगी विंटर में, अगर आपने टैटू बनवाने के बारे में सोच रही हो या आपने टैटू बनवा लिया है। फर्स्ट है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अगर आपने विंटर में टैटू बनवाया है तो जिस भी पार्ट पे आपने टैटू बनवाया है याद रखें वहाँ की स्किन बिल्कुल भी रूखी ना हो, क्योंकि जो सर्दी का मौसम है वहाँ की जो स्किन है वो रूखी पड़ जाती है, खुरदरी स्किन बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि अगर आपने जिस भी पार्ट पे टैटू बनवाते हैं तो वो पार्ट की स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव हो जाती है, अगर वहाँ जो रूखापन आता है सेंसिटिव होने के कारण से तो इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए खास कर से ध्यान रखें कि आप जहाँ भी टैटू बनवाए हैं वहाँ पर रूखापन या खुरदरापन बिल्कुल भी ना आए। इसके लिए क्या करना होगा, जहाँ भी आपने प्रोफेशनल में टैटू बनवाया है वहाँ से आपको जेल बताया होगा, वो जेल का आपको अप्लाई करना होगा या कोई भी आप जो वैसलिन का इस्तेमाल कर सकते हो। इसलिए खास करके ध्यान रखें आपको बिल्कुल भी रूखापन या खुरदरा ना महसूस हो, इसलिए आपको जेल या किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करके आपके टैटू को रखना होगा सही से। अब आते दोस्तों सेकंड, आपको कौन सी ऐसी गलतियां जो सेकंड को खास करके जो बॉयज जो बाइक पे निकलते हैं और जो गर्ल्स होती हैं, लेडीज जो स्कूटी पे निकलती हैं, निकलने से पहले से ध्यान रखें कि अगर आपके जो टैटू का पार्ट है वहाँ वो जो हवा के संपर्क में अगर आ रहा है अगर आपके टैटू का पार्ट, तो याद रखना जिस भी पार्ट पे आपने टैटू बनवाया है इस गलती से ये नहीं होगा कि आपको किसी भी तरह का इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं, लेकिन आपका टैटू बिल्कुल सेट पड़ जाएगा। आप खुद कहोगे मेरे टैटू का रंग तो बिल्कुल भी नहीं आया, जो आना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं आया। क्यों होता है, जो हवा के संपर्क में आने से आपकी टैटू की जो स्किन है उसको परत बनाना शुरू कर देती है, वो परत बनाना शुरू करने से घाव हो जाता है, घाव के चलते आपका टैटू भी वहाँ से पूरी तरह से निकल जाता है, बस वो थोड़ा थोड़ा सा दिखाई देने लगता है, फिर आप कहते हो कि टैटू हमारा नहीं सही से बना हुआ है। तो इसलिए खास करके ध्यान रखिए कहीं भी अगर आप बाहर निकलते हो तो ध्यान रखें कि आपके टैटू के ऊपर हवा के संपर्क में ज़्यादा से ज़्यादा ना आए, बिल्कुल भी ना आए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी कपड़े का इस्तेमाल कर लीजिए, नहीं दोस्तों, हाइजीन का और साफ़ सफाई का ध्यान रखते हुए ऐसे कपड़े का आपको इस्तेमाल करना होगा जो आपके टैटू को किसी भी तरह का इन्फेक्शन होने से बचाए, और आपको हमेशा ध्यान रखना होगा ऐसे ही कपड़े का आपको इस्तेमाल करना होगा आपके टैटू के लिए। अब दोस्तों आते हैं तीसरा टॉपिक जो कि मेन टॉपिक है। अब बहुत लोग मुझे कमेंट में, जैसे कि बताया था मैंने पार्ट वन टैटू के ऊपर बनाया था जिस आपका बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पांस था, लगभग 20K के आसपास व्यूज जाने वाले हैं और लाइक्स भी बहुत अच्छे, कमेंट उसमें अलग अलग तरह की आती है कि भाई मेरा जो टैटू है उसमें मैंने अभी बनाया है, एक दिन दो दिन हुआ है, उस पर मैं किस तरह से केयर करूँ, उसमें मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा या पिंपल्स पड़ जाएंगे, पक जाएगा या घाव बन जाएगा। आप इस तरह की चिंता बिल्कुल भी छोड़ दिए, स्टार्टिंग में आप ऐसा क्यों सोचते हो, आपने कहीं भी बस इतना ध्यान रख लीजिए कि जहाँ भी आप टैटू बनवाते हैं हाइजीन का साफ सफाई का ध्यान रखिए और प्रोफेशनल टैटू पर ही बनाइए, रोड साइड टैटू पर नहीं बनवाइए, क्योंकि वो एक ही सुई का बार बार इस्तेमाल करते हैं जिसके कारण से एक का इन्फेक्शन आपके स्किन के अंदर एंटर करता है और आपको कई तरह की बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है, टैटू तो बिल्कुल भी नहीं सही बनता। इसलिए आप 100-500 रुपये ना देखिए, प्रोफेशनल जगह पर ही टैटू बनवाइए, जाके बहुत अच्छा साबित होता है आपके लिए, आपके टैटू के लिए, आपके स्किन के लिए। अब खासकर आपको जो प्रोफेशनल जो टैटू वाले होते हैं वो आपको जो जेल का प्रोवाइड करते हैं बस उसी जेल का आपको रेगुलर रूप से इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह से इस्तेमाल जो आपके टैटू बताते हैं टैटू वाले बताते हैं उसी तरह से आपको इस्तेमाल करना चाहिए, आपका टैटू 25 डेज के अंदर अंदर बिल्कुल प्रॉपर शेड में आ जाएगा। अगर नहीं आता है तब उसके बाद में आपको कहीं इन्फेक्शन हो गया है,
पिंपल्स आ गए या घाव बनने की संभावना आपको लग रही है, तब आप किसी के भी रिकमेंडेड में किसी की भी बातों को सुनकर आप अपने टैटू को यूज़फुल जो दवाई है वो मेडिसिन है वो दीजिए, जो भी आपको बताता सामने वाला इंसान उसका इस्तेमाल कीजिए। लेकिन अगर आपको ये भी जानना है कि आपको टैटू पे इन्फेक्शन हो चुका, तो मैंने अपने चैनल के ऊपर बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाए हुए हैं जो कि आप देख के अपने टैटू के ऊपर इन्फेक्शन को रोक सकते हो, और 100% पॉजिटिव रिजल्ट भी आया। उस जो फॉर्मूला मैंने बताया उसका 100% पॉजिटिव रिजल्ट भी आया, कमेंट बॉक्स में मुझे इस तरह के कमेंट भी आए हुए। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में तीन जो गलतियां हैं बताई है कि विंटर के अंदर कौन कौन सी तीन गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए, और अब घबराना बिल्कुल छोड़ दीजिए। विंटर में टैटू बनवाते हो तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। अगर आपने विंटर में टैटू बनवाया तो इन्फेक्शन होने का जो चांसेस होते हैं 90% ख़त्म हो जाते हैं। 10% चांसेस कहाँ से बढ़ जाता है अगर आप जंक फूड का सेवन कर रहे हो, ऑयली फूड सेवन कर रहे हो, ये या आप नॉन वेज का सेवन कर रहे हो, तभी आपका जो टैटू पे इन्फेक्शन देखने को मिलता है। इसलिए खास करके विंटर में तो भूल ही जाइए। जो लोग गर्मी में बनाते हैं, जो समर में बनवाते हैं, उन लोगों को इन सब इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, वीडियो की जानकारी कैसे लगी आपको? वीडियो की जानकारी आपको थोड़ी सी भी बेनिफिट लगती है, थोड़ा सा भी लगता है कि हाँ मैंने विंटर के मैं आपको इन्फेक्शन ना हो सके टैटू में इसलिए कुछ खास जानकारी दी, तो वीडियो को लाइक करना, और जो टैटू बनवाने के बारे में सोच रहे हैं उनकी खास हेल्प हो सके इसलिए वीडियो को शेयर भी कर देना, और अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए भाई बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आपके एक जो सब्सक्राइब करने से। इसलिए प्लीज़ भाई यार प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए, आपका भाई इतनी मेहनत करता है। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आप नेक्स्ट वीडियो आपकी कमेंट बॉक्स कमेंट के ऊपर होगा। तो दोस्तों, वीडियो की जानकारी कैसी लगी? अगर वीडियो की जानकारी आपको थोड़ी सी भी बेनिफिट लगती है, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तो धन्यवाद दोस्तों।